मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कृष्णा आर्केड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। इस मौके पर सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत पर भी बधाई दी। इसके साथ ही सीएम ने सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि कांग्रेस अपनी बात रखेगी और हम अपनी बात रखेंगे। लोकतंत्र में विपक्ष सरकार की कमियां निकालता है और सरकार अपनी अच्छाइयां बताती है। उन्होंने ये भी बताया कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 5.5 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट है। इसके अलावा सीएम ने ये भी बताया कि पार्वती काली सिंध नदी लिंक परियोजना के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है। खेल के मामले में भी माहौल देखा और मैंने तो अभी सबको रात के वर्ल्ड कप की बधाई दी। ये कितना अद्भुत मौका है हमारे लिए, हमारे खिलाड़ी साउथ अफ्रीका जिसका नाम ही ऐसा लगता है कि वो असंभव को संभव करने वाले लड़ाके हैं, लेकिन हमने उनको उनके हिसाब से जो मैच में जीत हासिल की। लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए विधानसभा सबसे श्रेष्ठ मंच होता है। सदन के अंदर वो अपनी बात कहेंगे, हम हमारी बात कहेंगे। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसा लगेगा लोकतंत्र अधूरा, इसलिए उनको उनका हक है। मैं हमेशा ही चाहता हूँ लोकतंत्र में कि विपक्ष हमारी कमियाँ निकाले, हमको बताए, आगाह करे कि हाँ ये आपकी कमी है, त्रुटि है। सरकार अपनी अच्छाई बताएगी, हो सकता है उनकी कोई सकारात्मक कमी हो तो कंसिडर करेंगे उसको।